नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज देखना थे बहुत अच्छा होगा, पर ऐसे उदास होकर काम नहीं चलेगा। पहले घर से खुश होकर निकलना होता है, तभी खुशखबरी तुम्हारे कदम चूमेगी। चलो स्माइल करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कोई मिलने आया है, अपने आप को मॉडल बताता है। ठीक है, भेज दो उसे। जी मैडम। जाओ। मैम। क्या बात है? मैंने सुना है कि आपके यहाँ बॉय मॉडल की रिक्वायरमेंट। हाँ जी, बैठिए। थैंक यू। तो आप मॉडल बनने के लिए आए हैं? जी हाँ, ये रहा मेरा बायोडाटा। आप मॉडल बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जी हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर मैं तुम्हें काम देती हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं आपको अच्छे काम की गारंटी दे सकता हूँ। वो तो सभी देते हैं, पर तुम मुझे उसके बदले क्या दोगे? मतलब ये कि तुम काम के बाद मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। कॉम्प्रोमाइज? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम मेरी प्यास बुझाओगे। क्या? तुम अच्छी तरह से सोच लो, मुझे बाद में बता देना। ओके, थैंक यू। तनिषा की हालत देखी नहीं जाती मुझसे, मैं क्या करूं? इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। तनिषा को उस नर्क से निकाल कर ही रहूंगा। तनिषा को कितना कष्ट है, इस कष्ट से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा। मैं चाहे गलत काम कर लूं, लेकिन तनिषा को गलत काम नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं तनिषा को गलत काम नहीं करने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। मैं उसे उस नर्क से बचा कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तनिषा, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही तुम्हें बार में काम करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें काम मिल गया? हाँ, मुझे एक बहुत बड़ी एजेंसी में काम मिल गया है। मुझे पता था तुम्हें काम जरूर मिलेगा। डार्लिंग, शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, प्लीज टेंशन मत लेना। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाय, सी यू। द गेम हैज बिगन। मैडम, वो दोबारा आपसे मिलने आया, भेज दो क्या? ठीक है, भेज दो उसे। जी मैडम। मे आई कम इन? यस, कम इन। आओ अजय, बैठो। थैंक यू। हाँ अजय, क्या सोचा तुमने? काम करने के लिए तैयार हो तुम मेरे साथ? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। ठीक है, ये लो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, साइन कर दीजिए। ये लीजिए। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। गुड, लेकिन मैडम नहीं, सोनिया को। ठीक है, चले। यस सोनिया। शिकार फंस गया। हेलो रोहित, सेशन चल रहा है, बाद में कॉल करता हूँ।
एड्रेस। कहाँ चली गई सिमरन? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूं। क्या ब्यूटी है, क्या चाल है, एकदम मदहोश करने वाली। एक बार अपनी बहू में आ जाए तो मजा आ जाए। भाभी जी, भाभी जी, कहाँ से आ रही हैं? बाजार से सामान लेके आ रही हूँ। भाभी जी लाइए, सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, बाल्टी की तरह बैग भी अगर रास्ते पर लेकर सो गए तो हो गया। अरे भाभी जी, हर रोज ऐसा नहीं होता है, लाइए ना। अच्छा ठीक है, तुम इतना ही कह रहे हो तो ये लो। काफी भारी है। वाह क्या बात, क्या बाल है, क्या चाल है। वैसे भाभी जी इसमें है क्या? अरे सामान है, राशन है। राशन इतना भारी है? अब राशन भारी नहीं होगा तो और क्या भारी होगा। भाभी हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा? ओके। थैंक यू भाभी। अच्छा भाभी, चाय पी के तो जाओ। आप मेरे लिए इतनी तकलीफ करेंगी? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, तुम्हारे बहाने मैं भी चाय पी लूंगी। ठीक है भाभी। सपने में खो जाते हो तुम, ये चीज अच्छी नहीं है। हाँ क्या करूं भाभी, पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है। जवानी में ये बीमारी ठीक नहीं होती, अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हो? भाभी इसका इलाज तो आप ही के पास है। हुँ? मतलब क्या तुम्हारा? भाभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाऊंगा। और आप तो जानती हैं कि मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं आता है। अच्छा तो तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कैसा प्रॉब्लम? अरे वही, सुबह सिलेंडर खत्म हो गया, तुम्हारे भैया को मैंने बोला भी लेकिन वो भूल गए ना। अब मैं सिलेंडर उठा के कैसे ले जा सकती हूँ? आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं भाभी, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपका सिलेंडर गैस स्टेशन तक पहुँचा देता हूँ।